Greetings, 5th class general science students. Welcome back to our channel again, Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So in the previous video, we discussed about the friction, that what is the friction and what are the advantages and disadvantages of friction and what are the methods to reduce the frictions. So now in today's class, we are going to discuss the gravitational force, that what is the gravitational force. Now let me start. We know that when a ball is thrown upward, it comes back to the earth. हमारे को पता है कि जब भी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर को हमने बॉल को फेंका तो वो अर्थ पे वापस ज़रूर आएगी, वो नीचे ज़रूर गिरेगी. इट इज़ ईजी टू गो डाउन स्टेयर्स एज़ कम्पेयर टू मूविंग अप स्टेयर्स. तो जैसे कि हमारे को स्टेयर्स पे उतरना अच्छा लगता है, हम ऊपर से हमको स्टेयर्स में नीचे आना अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अप स्टेयर्स करते हैं. जब हम ऊपर चढ़ते हैं स्टेयर्स में तो वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, वो हमें इतना इजी नहीं लगता जितना हमारे को स्टेयर्स से उतरना पसंद है. अ क्रिकेट बॉल थ्रोन अपवर्ड कम्स डाउनवर्ड्स. तो क्रिकेटर ने एक बॉल को अपवर्ड की तरफ फेंका और वो डाउनवर्ड्स वापस आया. मतलब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, ऊपर की तरफ फेंकी तो वो डाउनवर्ड्स भी ज़रूर आएगी. सिमिलरली एन एप्पल और एन ऑरेंज फ्रॉम अ ट्री ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड्स. तो ऐसे ही जो ट्रीज पे एप्पल्स और ऑरेंज होते हैं वो भी फॉल करते हैं, वो भी गिरते हैं और वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स की ही डायरेक्शन में गिरते हैं. वाई डज एवरीथिंग फॉल डाउन. तो क्यों जो हर चीज़ है वो नीचे की तरफ ही गिरती है, कि वो हर चीज़ है वो फॉल डाउन ही क्यों होती है, फॉल अपवर्ड्स क्यों नहीं होती. एक्चुअली अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये क्या कह रहे हैं, जो अर्थ है हमारे पास, जो धरती है, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करता है, वो टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ ही उनको पुल करता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं, कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ ही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बॉडीज हैं उनको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है. तो वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Gravitational force not only exists between the earth and other bodies but also exists between all the objects around us. तो जो gravitational force होती है वो सिर्फ earth या other जो bodies होती हैं उन उधर ही exist नहीं करती, but gravitational force जितने भी हमारे आसपास objects हैं वहाँ पर भी gravitational force होती है. इट इज़ अ पुलिंग फोर्स. बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक हमारे पास पुलिंग फोर्स है, कि ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने वाली फोर्स है, कि अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ये किस पे डिपेंड रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड रहती है ऑब्जेक्ट के मास पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. उन और जो सेंटर से जितना उनका डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे ये डिपेंड रहती है. द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा है तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़्यादा है. द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उतना हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है. मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा होना, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना, मास ज़्यादा होना ऑब्जेक्ट का और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होनी. तो ये क्या कह रहे हैं, कि जो हम अगर हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में घेरा ऊपर की तरफ तो वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में बॉल आके फॉल डाउन होएगी. तो जैसे ही अगर हम स्टेयर्स में अपवर्ड्स होते हैं तो हमें अपस्टेयर्स होना अच्छा नहीं लगता, हमें डाउन स्टेयर्स होना जब हम नीचे की तरफ उठते हैं तो वो हमें ईजी लगता है. तो ऐसे ही हमने ये कभी क्यों नहीं नोट किया कि जो हर चीज़ें, अगर बॉल को हमने ऊपर घेरी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो भी हमारे पास ट्रीज़ पे हमारे ऑरेंज एप्पल्स होते हैं तो वो भी फॉल डाउनवर्ड्स ही होते हैं, वो भी फ्लोर की तरफ ही गिरते हैं, अर्थ की तरफ ही गिरते हैं, वो कभी ऊपर नहीं गिरते. ऐसा क्यों,
क्योंकि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है सारी थिंग्स को अपनी तरफ ही टूवर्ड्स इट्सेल्फ. अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इट्सेल्फ. तो जो अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हमारे पास अर्थ या किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती. तो जितने भी हमारे पास आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ अ पुलिंग फोर्स. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है हमारे पास उस पे डिपेंड करती है. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी. बट अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कम होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज़ टू स्मॉल टू बी नोटिस्ड. तो ये चीज़ नोट की गई है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कम होती है. इट कैन ईजली बी ऑब्जर्व्ड विद मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स. तो ये ईजिली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हमारे पास ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन अर्थ तो ऑब्वियसली बात है कि इधर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू ऑर्बिट अराउंड इट. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन पुल्स द अर्थ. अब जो सन है हमारे पास वो अर्थ को पुल करता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. और वो अदर प्लैनेट्स को भी हम अपनी तरफ पुल करता है. ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से ही होता है. इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट होल्ड अस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड स्टॉप अस फ्लोटिंग अवे इन टू द स्पेस कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास अर्थ की कि वो होल्ड अस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कि हमको होल्ड करके रखा हुआ है अर्थ की सर्फेस पे. कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और अर्थ के अराउंड मून को रिवॉल्व करता है. मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ, रेनफॉल होती है अर्थ पे. मेक्स द रिवर्स फ्लोज डाउन स्ट्रीम और जो रिवर्स हैं वो फ्लोज डाउन होते हैं, वो बहते हैं. तो ये सब कुछ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से ही होता है. तो ये क्या कह रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स सन की होती है वो अर्थ को पुल करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ टूवर्ड्स इटसेल्फ और दूसरे प्लैनेट्स या ऑर्बिट्स को भी अपनी तरफ पुल करता है. द ग्रेविटेशन ऑफ द सन पुल्स द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ और इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट. और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास कि उसने हमारे को अर्थ के सरफेस पे होल्ड करके रखा हुआ है और अर्थ के अराउंड हमारे पास जो मून है वो भी रिवॉल्व करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो हमारे पास रेनफॉल होती है अर्थ पे वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है. और जो हमारे पास रिवर्स फ्लोज डाउन कर रही है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से ही होती है. क्या कह रही है, डू यू नो द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अबाउट 6 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अर्थ. तो जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 6 टाइम्स कम है अर्थ से. द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अबाउट 6 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अर्थ. मीन्स जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ लेवर. कि लेवर क्या होता है अब हमारे पास. A lever is a simple machine which turns about a fixed point. अब जो lever है वो एक simple machine है which turns about a fixed point, जिसका एक fixed point होता है. When a force is applied at one end of the lever, it turns about a fixed point to lift the load at the other end. तो जब भी हम उस lever पे force को applied करते हैं एक end से, तो जो lever का एक end है उससे हमने force को applied किया और जो लेवर का फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट से फिर वो लोड को लिफ्ट करता है एट दी अदर एंड. तो उस फिक्स्ड पॉइंट से उसने अपने लोड को लिफ्ट किया टू दी अदर एंड.
क्या कह रहे हैं कि जो लेवर है वो एक सिंपल मशीन है विच टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, तो जब भी हम एक एंड से फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो फिर एक एंड से फोर्स अप्लाई होने के बाद दूसरे एंड से वो जो लोड होता है, कोई भी हैवियर वेट होता है, उसको लिफ्ट कर लेता है. द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ लेवर टर्न्स इज कॉल्ड इट्स फल्क्रम. तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है अबाउट विच अ लेवर टर्न्स, तो जब लेवर टर्न्स होता है उसको हम बोलते हैं फल्क्रम. द फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन द लेवर इज कॉल्ड द एफर्ट. और जो हमने फोर्स को अप्लाइड की है लेवर पे उसको हम एफर्ट बोलते हैं. एंड द वेट विच इज़ लिफ्टेड इज कॉल्ड अ लोड. और जो वेट हमने, जो कि लोड हमने लिफ्ट किया है उसको हम बोलते हैं लोड. जो वेट हमने लिफ्ट किया है, जो हैवियर ऑब्जेक्ट हमने उठाया है, वेट किया, उसे हम बोलते हैं लोड. सीजर्स, पिलर्स, क्लॉ हैमर्स, डॉर्स एंड स्टैपलर्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लेवर्स. तो ये जो सीजर्स हैं, पिलर्स हैं, क्लॉ हैमर्स हैं, डॉर्स हैं, स्टैपलर्स हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं लेवर्स की. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेवर बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द फल्क्रम, द एफर्ट एंड द लॉट. तो हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ लेवर हैं जो कि उनकी रिलेटिव पोजिशन पे बेस्ड हैं, एक फल्क्रम की, एफर्ट्स की और लोड पे. इन पे हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ लेवर है जो कि बेस्ड है. तो बेसिकली लेवर का क्या मतलब है, लेवर एक सिंपल मशीन है कि जिससे एक एंड से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरे एंड से हमारे पास जो लोड है वो लिफ्ट होता है, हम वेट को कैरी कर लेते हैं. और जो फिक्स्ड पॉइंट है, जब वो लेवर्स टर्न्स करते हैं, जो उसका फिक्स्ड पॉइंट है, तो वो जब टर्न्स होता है हमारे पास, कि जब हम ऑब्जेक्ट को लोड करते हैं उसको हम फल्क्रम बोलते हैं. और जो फोर्स हमने अप्लाई की है उसको हम एफर्ट बोलते हैं. और जो वेट हमने कैरी किया है उसको हम लोड बोलते हैं. एंड उसके नाउ फर्दर हमारे पास थ्री काइंड ऑफ लेवर है. फर्स्ट है फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर. तो फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर क्या है? इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर द फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. तो जो फल्क्रम होता है हमारे पास, वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है. एफर्ट वो होता है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और लोड वो होता है हम वेट को कैरी कर रहे हैं. फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर कैन प्रोड्यूस द लार्ज फोर्स फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट. तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर है वो लार्ज फोर्स को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट. हमने जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम लगाए हैं, तो जिसके कारण वो जो हमारे पास लार्ज फोर्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है. इन दिस केस द एफर्ट आर्म विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम इज़ लॉन्ग, वेयर एज द लोड आर्म द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज शॉर्ट. फिर जो हमारे पास एफर्ट और फल्क्रम का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो लॉन्ग है, बट जो हमारे पास लोड आर्म का डिस्टेंस है और जो फल्क्रम का डिस्टेंस है वो हमारे पास शॉर्ट है. इसका कहने का क्या मतलब है हमारे पास, कि जो हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर होते हैं वो लार्ज फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट. कि हमने स्मॉल एफर्ट ही किया है, हमने ज़्यादा फोर्स को नहीं हमने अप्लाई किया, तो हमने बहुत थोड़ा सा फोर्स को अप्लाई किया है, तो जिसके कारण हमारे पास लार्ज फोर्स को प्रोड्यूस कर दिया. तो इस केस में क्या होगा, तो जो हमारा एफर्ट आर्म है, इन केस द एफर्ट आर्म विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम. तो जो हमारे पास एफर्ट आर्म है उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास एफर्ट और फल्क्रम में, वो लॉन्ग होगा. और जो लोड आर्म है हमारे पास, जो डिस्टेंस है लोड और फल्क्रम में, वो शॉर्ट है. मीन्स जो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस है वो हमारे पास लॉन्ग है, और जो हमारे पास लोड और फल्क्रम का डिस्टेंस है वो हमारे पास शॉर्ट है. By a longer effort arm, greater force will be produced. तो longer effort arm के कारण हमारे जो efforts हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसके कारण जो हमारे पास force है वो भी ज़्यादा produced होगी. Scissors, pillars, lid openers, hammers are the examples of the first kind of lever. तो ये सारी जो हैं हमारे पास examples हैं first kind of lever की. तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, first kind of lever में हमारे पास जो फल्क्रम है, द फल्क्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. जो हमारे पास फल्क्रम होता है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है, और जो हमारे पास एफर्ट आर्म है उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो लॉन्ग होता है, और जो हमारे पास लोड और फल्क्रम का डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है.
तो लॉन्गर एफर्ट होने के कारण जो हमारे पास फोर्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। और सीजर्स, पिलर्स, लिड ओपनर्स, ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स है फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर की। नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेकंड काइंड ऑफ लेवर, कि इसमें क्या होता है हमारे पास। इन द सेकंड काइंड ऑफ लेवर द लोड इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। अब जो लोड है हमारे पास वो फल्क्रम और एफर्ट आर्म के बीच में है। बॉटल ओपनर, व्हील बोरो, नट क्रैकर आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लेवर। कि उसमें जो हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में क्या था कि जो हमारे पास फल्क्रम है हमारे पास एफर्ट और लोड के बीच में, बट इसमें सेकंड काइंड ऑफ लेवर में जो लोड है वो है फल्क्रम और एफर्ट के बीच में। तो बॉटल ओपनर है हमारे पास, या डोर है, कटर है, ये सब कुछ एग्जांपल्स है सेकंड काइंड ऑफ लेवर की। नाउ थर्ड काइंड ऑफ लेवर क्या है, कि द एफर्ट इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड द रूट। अब थर्ड काइंड ऑफ लेवर में जो एफर्ट है वो हमारे पास फल्क्रम और लोड के बिटवीन में है। इन दिस केस द एफर्ट मूव्स अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज द लोड मूव्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें जो अब एफर्ट्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव करेगा, बट जो लोड है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे मूव करेगा। ये था हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ लेवर। तो लेवर क्या है हमारे पास? लेवर हमारे पास बेसिकली एक सिंपल मशीन है जो कि होल्ड करती हैं वेट को कैरी करने के लिए, लिफ्ट को कैरी करती हैं, उसे हम लेवर बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जब वो लेवर टर्न्स हो जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट में, उसको हम फल्क्रम बोलते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट में टर्न होना, टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, कि सिंपल मशीन से उसका फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट होना, उसको हम लेवर बोलते हैं और उसी को ही हम फल्क्रम बोलते हैं। और जो फोर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं हम लेवर पे, उसको हम एफर्ट्स बोलते हैं। और जो वेट हम कैरी कर रहे हैं उसको हम लोड बोलते हैं। और फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में हमने पढ़ा कि जो फल्क्रम है वो होता है एफर्ट्स और लोड के बीच में, और हमारे पास जो एफर्ट आर्म है उसका डिस्टेंस लॉन्ग होता है, और जो हमारे पास लोड आर्म है उसका डिस्टेंस कम होता है। तो एफर्ट आर्म के डिस्टेंस के कारण हमारे पास जो फोर्स है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। और जो हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लेवर है उसके अंदर जो हमारे पास लोड है वो फल्क्रम और एफर्ट के बिटवीन होता है। बोटल ओपनर, व्हील बैरो, ये एग्जांपल है सेकंड काइंड ऑफ लेवर की। थर्ड काइंड ऑफ लेवर में हमारे पास एफर्ट होता है फल्क्रम और लोड के बिटवीन। तो जो हमारे पास एफर्ट है, एफर्ट्स हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस में मूव करता है, और जो लोड है वो लॉन्ग डिस्टेंस में मूव करता है। नाउ पेयर ऑफ टोंग्स और फोर स्पून्स, ब्रोम्स आर द ह्यूमन आर्म, ये सारी एग्जांपल्स है हमारे पास थर्ड काइंड ऑफ लेवर की। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और लेवर्स क्या होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है, एक पुली फोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ पुल करने के वर्क करता है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है कि जो अर्थ अपनी तरफ सारी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है, कि अर्थ का अपनी तरफ सारी बॉडीज़ को अट्रैक्ट करना, तो उस चीज़ को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ, सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे और डिस्टेंस पे। तो जितना हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। बट जितना हमारे पास डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। और ये भी नोट किया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए स्मॉल ही होती है, और ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है। जैसे कि जो सन है वो अर्थ को पुल करता है अपनी तरफ, और कुछ अदर प्लैनेट्स को भी अपनी तरफ पुल करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रह पा रहे हैं, हम स्पेस के ऊपर गिर नहीं पा रहे। और ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो हमारे पास रेनफॉल हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो रिवर्स है वो फ्लो डाउन कर रहे हैं। और हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो 6 times ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स।
फिर हमने लेवर पढ़ा कि वो एक सिंपल मशीन है जो कि कन्वर्ट हो जाती है, एक फिक्स्ड पॉइंट में टर्न हो जाती है, फिर जो कि लोड को लिफ्ट करती है एक एंड से, कि एक एंड पे फोर्स अप्लाई हुई और दूसरे एंड से उसने लिफ्ट को लोड किया। फिर ये थ्री काइंड्स ऑफ लेवर थे। फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर में जिसमें हमारे पास एफर्ट आर्म का डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोड आर्म में, और सेकेंड में हमने पढ़ा था कि जो लोड है वो बिटवीन होता है फल्क्रम और एफर्ट के, और थर्ड में हमने पढ़ा था कि जो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है बट जो लोड आर्म का डिस्टेंस होता है वो लॉन्ग होता है। तो अब हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। द फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स द थिंग फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन क्या है, कि जो फोर्स लगती है मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी चीज किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना या स्लो डाउन करना, दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे अर्थ के साथ हम अट्रैक्टेड हैं, हम सरफेस पे ही रहते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ लेवर इज़ अ सिंपल मशीन विच टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब जो लेवर है वो एक सिंपल मशीन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट में टर्न हो जाती है, फिर एक पॉइंट से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरे पॉइंट से जो हमारे पास लोड है वो कैरी हो जाता है। So there are three kinds of lever based on relative positions of load, effort and fulcrum. तो हमने पढ़ा था load वो होता है जो कि weight carry होता है, efforts वो होते हैं जो कि हम force को apply कर रहे हैं, fulcrum वो होता है कि जो कि simple machine एक fixed point में turn हो रही है। Scissors, pillars and claw hammer etc. are the example of first kind of lever. तो हमारे पास जो scissors हैं, pillars हैं, ये सारी हमारे पास example है first kind of lever की। बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील बैरो आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लेवर। और जो बॉटल ओपनर है, व्हील बैरो है, ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लेवर की एग्जांपल्स हैं। ब्रूम, फिशिंग लोड एंड ह्यूमन आर्म आर एग्जांपल्स ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लेवर। जो ब्रूम है, फिशिंग रॉड है, ह्यूमन आर्म है, ये सारी थर्ड काइंड ऑफ लेवर की एग्जांपल है। तो बेसिकली हमने इसमें ये थे हमारे पास की पॉइंट्स, कि फोर्स जो लगती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन या स्टॉप करने में, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और जो लेवर है वो एक सिंपल मशीन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट में टर्न कर रही है, जिसके थ्रू हम वेट को कैरी कर पा रहे हैं। और ये थ्री काइंड्स ऑफ लेवर बेस्ड, और इसके थ्री काइंड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर बेस्ड है, सेकेंड काइंड ऑफ लेवर बेस्ड, और थर्ड काइंड ऑफ लेवर बेस्ड है। हमारे पास सीजर्स, पिलर्स, ये फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर की एग्जांपल्स हैं। बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, ये सब सेकंड काइंड ऑफ लेवर की। ब्रूम, फिशिंग रॉड, ह्यूमन आर्म, ये सारी थर्ड काइंड ऑफ लेवर की एग्जांपल हैं। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, और वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड वॉट आर द मैथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं, कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों सही है या फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों हानिकारक है, कि उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और फिर हमने कुछ पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कि क्या क्या कुछ चीज़ें होती हैं। फिर हमने लेवर के बारे में पढ़ा कि वो एक सिंपल मशीन है। फिर हमने लेवर के कुछ काइंड्स पढ़े। तो ये था हमारे पास कुछ इस चैप्टर में फ्रिक्शन से रिलेटेड या ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। तो आज का चैप्टर ये यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।